हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल एक्सीलेंट एग्जाम में मैं विवेक आपका फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम लेकर आ चुके हैं कक्षा 12 रसायन विज्ञान में अध्याय 14 जैव अणु। इसमें दोस्तों हम आज पढ़ेंगे महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपको बोर्ड एग्जाम में एक अंक में पूछेगा। और दोस्तों ये एक अंक का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पर हमने सेलेक्ट करके लेकर आ चुके हैं, यानी कि 2022 के बोर्ड एग्जाम में दोस्तों अगर क्वेश्चन चैप्टर से बनेगा तो इससे बाहर आपका नहीं जाएगा। तो आज का सेशन में जितने भी क्वेश्चन बताएंगे बहुविकल्पी, आप उसको अच्छे से आप लोग तैयार कर लीजिएगा। बाकी नेक्स्ट क्लास में हम इसका दीर्घ और लघु भी लेकर के आएंगे, उसका भी इंपॉर्टेंट आपके साथ डिस्कस कर देंगे। लेकिन जितना बताते उतना आपको तैयार अच्छे से करते चलना है, ठीक है। तो जितने स्टूडेंट अब तक क्लास में जुड़ चुके हैं तो इस क्लास को आप लोग लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। और चैनल पहली बार चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि जो भी नोटिफिकेशन अपडेट है वो टाइम टू टाइम आपको मिलती रहे। और दोस्तों साथ में आप लोगों के लिए 2022 का तैयारी करने के लिए हमने एक ग्रुप बनाया है व्हाट्सएप का, तो वो आपका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ से जो नए छात्र फटाफट वहाँ से ग्रुप से जुड़ जाइएगा ताकि उसमें PDF और भी जो भी नोट्स है वो आपको टाइम टू टाइम प्रोवाइड होती रहे और आप बोर्ड एग्जाम में जबरदस्त नंबर ला सकें, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। तो बहुविकल्पी में पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि दूध में शर्करा, ठीक है, डाइसैकेराइड होती है। दूध में शर्करा होती है सुक्रोज, माल्टोज, ग्लूकोज या लैक्टोज। तो दोस्तों डी ऑप्शन ही आपका करेक्ट हो जाएगा कि दूध में शर्करा जो होती है वो कौन सी होती है, लैक्टोज होती है। कौन सी, लैक्टोज होती है। 2019 बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये माना जाएगा। तो आप लोग इसको अच्छे से टिक कर लीजिएगा और इसको याद रख कर लीजिएगा। क्लास पढ़ाने के बाद आपको एक घंटे के बाद आपको व्हाट्सएप ग्रुप में इसका PDF जो है आपको भेज दिया जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों अगर बात करते हैं डिटेल में तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दूध में लैक्टोज शर्करा उपस्थित होती है। दूध में उपस्थित होने के कारण लैक्टोज को दुग्ध शर्करा भी कहते हैं, यानी कि लैक्टोज को अगर बोले तो उसको हम क्या बोलते हैं, दुग्ध शर्करा बोलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन भी आपका वेरी इंपॉर्टेंट है, यानी कि आज का सेशन का लगभग सभी क्वेश्चन ही वेरी इंपॉर्टेंट है, कोई इसमें से छोड़ना आपको नहीं है। अगर इस चैप्टर से क्वेश्चन बनाया जाएगा तो इसमें से जरूर आपसे पूछेगा, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता है कि सबसे मीठी शर्करा है, सबसे मीठी शर्करा है, तो बताना है आपको कि ग्लूकोज है, माल्टोज है, फ्रक्टोज है या सुक्रोज है, ठीक है। तो क्या है भाई इसका सही आंसर, तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाता है कि सबसे मीठी शर्करा क्या, फ्रक्टोज है। सबसे मीठी शर्करा क्या, फ्रक्टोज है। याद रखिएगा 2019 में आ चुका है क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन कहता है कि यौगिकों का युग्म जिसमें दोनों यौगिक लॉटेन अभिकर्मक के साथ धनात्मक परीक्षण देते हैं वह है, ठीक है। 2016 क्वेश्चन पूछा है, तो आपको तीन ऑप्शन चार ऑप्शन मिलता है कि ग्लूकोज तथा सुक्रोज होगा, फ्रक्टोज तथा सुक्रोज होगा, ग्लूकोज तथा फ्रक्टोज होगा, ये सभी होगा। तो दोस्तों सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा कि यौगिक युग जिसमें कि दोनों यौगिक लॉटेन अभिकर्मक के साथ धनात्मक परीक्षण देते हैं वह आपका ग्लूकोज है और क्या है, फ्रक्टोज है। तो याद रखिएगा। तो आगे यहाँ पर अगर डिटेल में जानना चाहते हो तो जान सकते हैं कि ग्लूकोज में जो होता है वो LDH समूह की उपस्थिति के कारण यह लॉटेन अभिकर्मक को अपचयित कर देता है, और फ्रक्टोज में यद्यपि कीटोनिक समूह उपस्थित होता है परंतु क्षार की उपस्थिति में यह ग्लूकोज में पुनर्विन्यासित हो जाता है, जिस कारण यह भी लॉटेन अभिकर्मक अपचयन कर देता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा डाइसैकेराइड है, 2020 में ये क्वेश्चन आ चुका है कि कौन सा डाइसैकेराइड, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये माना जाएगा, इसको आपको तैयार कर लेना है। वैसे सभी क्वेश्चन को आपको तैयार कर लेना है अभी और तुरंत, ठीक है, तो इसको आप लोग तैयार कर लीजिए। तो कहता है कौन सा डाइसैकेराइड है, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, सुक्रोज, जाइलोज, ठीक है, ये चार ऑप्शन है। तो सी ऑप्शन सही हो जाता है, कौन सा इसमें डाइसैकेराइड है, तो सुक्रोज होता है। कौन सा भाई डाइसैकेराइड कौन होता है, सुक्रोज होता है, ठीक है। तो यहाँ आप देख सकते हैं, अगर रिएक्शन भी आप कराना चाहते हो तो देख सकते हैं, हमने सोल्यूशन भी लेकर साथ में आया ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। यानी दोस्तों बात करते हैं कि सुक्रोज एक डाइसैकेराइड है जिसके जल अपघटन पर समान या भिन्न मोनोसैकेराइड के दो अणु प्राप्त होते हैं। तो सुक्रोज का यहाँ पर फार्मूला हम ले लेते हैं C12H12O11, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं डाइसैकेराइड, और H2O, और इसमें करेंगे तो देखिए ग्लूकोज मोनोसैकेराइड, और यहाँ देख सकते हैं कि ये आपका फ्रक्टोज,
आ गया ठीक। तो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है कि सेलुलोस के पूर्ण जल अपघटन से प्राप्त होता है, सेलुलोस के पूर्ण जल अपघटन से प्राप्त होता है 2019 में क्वेश्चन पूछा है, यल ग्लूकोज, डी फ्रक्टोज या डी राइबोस, डी ग्लूकोज। तो दोस्तों सेलुलोस के पूर्ण जल अपघटन से डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है कि डी ग्लूकोज यहाँ पर प्राप्त होता है ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया एंजाइम पेप्सिन द्वारा जल अपघटित होती है, निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया एंजाइम पेप्सिन द्वारा जल अपघटित होती है। 2020 में क्वेश्चन पूछा हुआ है और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। तो चार ऑप्शन आपको यहाँ पर भी मिल जाता है कि प्रोटीन से एमिनो अम्ल, बी है वसा से वसा अम्ल बनता है या ग्लूकोज से एथिल अल्कोहल, और डी ऑप्शन है कि पॉलीसेकेराइड से मोनोसेकेराइड बनता है। तो करेक्ट आंसर आपका ए ऑप्शन सही हो जाता है कि अभिक्रिया यानी एंजाइम पेप्सिन द्वारा जल अपघटित होता है तो प्रोटीन से एमिनो अम्ल बनता है ठीक है, याद रखिएगा। इसके बाद दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं ठीक है। इसके बाद दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि डीएनए में कौन सा क्षारक नहीं होता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, ये फिलहाल इसको ऐड किया गया था इस टॉपिक को और ये वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक माना जाएगा ठीक है। तो डीएनए में कौन सा क्षारक नहीं होता है, थायमिन नहीं होता है या साइटोसिन नहीं होता है, यूरेसिल नहीं होता है या एडेनिन नहीं होता है। तो सी ऑप्शन सही है ठीक है, सी ऑप्शन सही है, यूरेसिल नहीं होता है, डीएनए में यूरेसिल क्षारक नहीं होता है। 2019 में क्वेश्चन पूछा है तो हो सकता है कि 2022 में भी ये रिपीट करे ठीक है। तो ऐसे भी याद कर सकते जैसे कि थायमिन केवल डीएनए में तथा यूरेली केवल आरएनए में पाया जाता है, अन्य सभी क्षारक ए सी जी दोनों न्यूक्लिक अम्लों में पाया जाता है। तो यहाँ पर याद रखने वाली दो पॉइंट है कि थायमिन जो है डीएनए में ठीक है और यूरेली जो है वो आरएनए में पाया जाता है, ये दोनों मुख्य पाए जाते हैं और बाकी ये तीनों जो है ये सब में दोनों में पाए जाते हैं। इस तरीके से आप इसको याद रखिएगा, अगर क्वेश्चन घुमा फिरा करके पूछेगा तो भी आप इसका आंसर दे दीजिएगा ठीक है। तो दोस्तों आज का सेशन में यहीं तक समाप्त करते हैं, बाकी कल हम इसको और विस्तार में करेंगे और इसमें थोड़ा सा टाइम को बढ़ाएंगे और इसका इंपॉर्टेंट जो भी लघु उत्तरी प्रश्न जो बचा है इसका उसको हम लोग डिस्कस करेंगे, क्योंकि लघु उत्तरी प्रश्न इससे बहुत सारे इससे पूछे गए हैं क्वेश्चन ठीक है। तो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में भी डिस्कस अच्छे से कर लेंगे। बाकी हम आपको बताते चलते आ रहे हैं कि आप सभी के पास क्वेश्चन बैंक होनी चाहिए, नहीं है तो अभी तक खरीद लीजिएगा और उसमें 2019 सभी अध्याय का 2019 और 2020 का क्वेश्चन आपको अच्छे से पढ़नी है और इसके बाद जो रिपीटेड क्वेश्चन है ठीक है, जो लगातार 2 साल 5 साल वो उसको भी तैयार करना है, इतना ही आपको करना है। बाकी साथ में हम इंपॉर्टेंट क्लास लेकर के आ रहे हैं, इतना आप अगर आप कर लेते हैं तो बोर्ड एग्जाम में बहुत ही अच्छा नंबर आप आसानी से ला सकते हैं ठीक है। तो बाकी मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में। तो चलते चलते अभी तक क्लास को आप लोग लाइक नहीं किए थे, आप लोग क्लास को लाइक कर दीजिएगा और हाँ अभी तुरंत अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, प्रत्येक स्टूडेंट को कम से कम 10 फ्रेंड में शेयर कर देना है और चैनल पहली बार चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।